बस कुछ ही दिनों में बुध मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में मेष राशि में दोनों ग्रहों की युति होने जा रही है। मेष राशि में ये युति करीब 12 साल बाद होने जा रही है। गुरु को एक राशि में दोबारा आने में लगभग 12 साल का वक्त लगता है। मेष राशि में गुरु एवं बुध की युति होना कई राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि किन राशियों को शुभ फल प्राप्त होगा। 12 साल बाद मेष राशि में बुध और गुरु की युति होने जा रही है और इस युति से तीन राशि के जो जातक हैं उनको विशेष रूप से लाभ के योग बनेंगे। करियर, व्यापार, उन्नति इत्यादि के योग उनके बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का राजकुमार कहा गया है बुध को, और एक निश्चित अवधि के बाद बुध जो है राशि परिवर्तन करते हैं। बुद्धि के दाता बुध जब हर राशि में परिवर्तन करते हैं, जब भी राशि में परिवर्तन करते हैं, जिस राशि में प्रभाव, जिस राशि में प्रवेश करते हैं, उस राशि के अनुसार वह अपना प्रभाव दिखाते हैं। सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव हर राशि के अनुसार उनका अलग अलग प्रभाव रहता है। पहले से ही मेष राशि में गुरु जो हैं विराजमान हैं और गुरु और बुध की युति होना कई राशियों के लिए सकारात्मक प्रभाव देने जा रहा है। और ज्योतिष के अनुसार 26 मार्च 2024 को बुध जो है वह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और मेष राशि में जब वह प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम वह मेष राशि को प्रभावित करने जा रहे हैं। मेष राशि में गुरु और बुध की युति होने के कारण मेष राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ उनको धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन या उनके विवाह में भी किसी प्रकार का संकट है वह संकट दूर होगा। जिनका विवाह होने जा रहा है या जिनका विवाह होने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, ऐसी मेष राशि के जातकों का विवाह संबंधी जो है वह सभी प्रकार का उनका जो दोष है वह दोष इस युति से दूर होगा और वैवाहिक लाभ उनको प्राप्त होगा। इस युति के कारण भाग्य उनको पूर्ण रूप से साथ देगा और हर क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कर्क राशि में गुरु और बुध की जो युति है वो दशम भाव में होने जा रही है, और यह दशम भाव जो है वो कर्म का भाव कहा गया है। अर्थात दशम राशि में बुध और गुरु की युति इस कर्क राशि के जातकों को सफलता दिलाने वाला है। वरिष्ठ जो अधिकारी गण हैं, जो राजा हैं या बड़े बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं, उनके साथ इस राशि के संपर्क होंगे और उनके जो कार्य हैं वह कार्य बिना किसी संकट और बाधा के इनके कार्य हो जाएंगे। और सहकर्मी जो हैं, इनके जो व्यापार व्यवसाय में पार्टनर हैं, नौकरी में सहकर्मी हैं, उनके साथ इनके मधुर संबंध बनेंगे। व्यापार में भी इनकी, यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि इत्यादि के योग हैं। इसी प्रकार तुला राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की है युति लाभदायक होने जा रही है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे या लाभदायक यात्रा के योग बनेंगे। किसी प्रकार का यह कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उस कार्य में भी इनको सफलता की प्राप्ति है।